नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ पांच हाउस प्लांट के बारे में बात करेंगे। आज हम जिन पौधों के बारे में बात करेंगे, इन पौधों से आपको फूल फल सब्जी तो नहीं मिल सकती, लेकिन हरियाली खूब मिल सकती है। आप अगर अपने घर को ग्रीन बनाना चाहते हैं या आपके घर में अगर ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं, तो ये पांच पौधे को आप लगा सकते हैं। आज जिन पौधों के बारे में मैं बात करूंगी, ये पौधे लगाना बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरह से चलते भी रहते हैं। तो कौन कौन सी पौधे को लगा के हम लोग अपने घर को ग्रीन बना सकते हैं, चलिए वो जान लेंगे। लेकिन उसके पहले, कुछ दिन पहले जो मैं कटिंग से नया पौधा तैयार करने की जो वीडियो में दी थी, उस कटिंग में देखिए कितनी अच्छी तरह से रूटिंग हो गया है। बहुत सारे रूट्स आ गए हैं। कुछ दिन बाद इस कटिंग को मैं पौधों से काट के मिट्टी में लगाऊंगी और मेरे पास एक नया पौधा बन जाएगा। अभी चलिए हम लोग उन पांच पौधों के बारे में जान लेते हैं जो पौधे हमारे घर को ग्रीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिस पौधे के बारे में मैं बताऊंगी वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है। इस पौधे की ग्रीन कलर इतनी सुंदर होती है कि जिस जगह पर आप इस पौधे को रखेंगे उस जगह की सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगा। इस पौधे को आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, दोपहर के धूप से अगर आप बचा के रखेंगे तो इसके पौधे की जो इसके पत्ते की जो ग्रीन कलर है वो कलर भी बहुत अच्छा रहेगा और ये इसके पत्ते भी बहुत सुंदर दिखेगा। सॉफ्ट मिट्टी में आप सिंगोनियम के पौधे को लगाइए, कम पानी डालिए। इस पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए थोड़ा कम पानी डालिए, आप देखेंगे सिंगोनियम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। इस पौधे की एक और खास बात यह है कि बहुत आसानी से ये पौधा कटिंग के थ्रू एक से अनेक हो जाता है, इसलिए सिंगोनियम का पौधा आप अपने घर पर जरूर लाइए। दूसरे नंबर पर जो पौधा मैं रखी हूँ वो है सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट। तो सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट की ढेर सारे वैरायटी होती है और इसके कई सारे शेड्स या कई सारे कलर्स में ये सेंसेवेरिया पौधा आता है, लेकिन घर को ग्रीन बनाने के लिए जो सेंसेवेरिया लगाने के लिए मैं बोलूंगी वो है सेंसेवेरिया स्टेला। ये जो स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया आप देख रहे हैं, इसकी नाम है सेंसेवेरिया स्टेला। ये इसके पत्ते बहुत सुंदर ग्रीन होती है और जिस जगह पर आप इस पौधे को रखेंगे वो जगह हरा पूरी तरह से ग्रीन दिखता है। बहुत ही आंखों को सुकून मिलती है इस पौधे की तरफ देख के। ये एक बहुत ही हार्डी पौधा है, बहुत जल्दी मरती नहीं है और आप देख रहे हैं गमले में आपको ढेर सारे पौधे दिख रही है, ये अपने आप एक से अनेक बन जाता है। ये एक पेरिनियल पौधा है, इसलिए सेंसेवेरिया स्टेला आप घर पर जरूर लगाइए। उसके बाद घर को ग्रीन बनाने के लिए जो पौधा लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा है। ड्रेसिना के कई सारे वैरायटीज होते हैं और इसके कई सारे कलर्स में भी ड्रेसिना आता है, लेकिन घर को ग्रीन बनाने के लिए आप ड्रेसिना का ये वैरायटी अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस जगह पर आप इस पौधे को लगाएंगे वो जगह बहुत हरा भरा दिखेगा और ये एक बहुत हार्डी पौधा है, जल्दी मरते नहीं है और बहुत ज्यादा केयर भी ये पौधा नहीं मांगता है। ये भी एक पेरिनियल पौधा है। एक बार अगर आप घर पर लाके इस पौधे को लगाएंगे तो सालों साल चलता रहेगा और इस पौधे को आप कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से एक से अनेक भी बना सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में भी ग्रो हो जाते हैं और मिट्टी में भी लग जाते हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि ड्रेसिना की एक पौधा आप घर पर जरूर लगाइए घर को ग्रीन बनाने के लिए। उसके बाद जो पौधा मैं रखी हूँ वो है अम्ब्रेला पाम। अम्ब्रेला पाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल
पौधा है, इसकी जो ग्रीन कलर है, इसकी ग्रीन कलर आप इस पौधे को जहां रखेंगे वो जगह बहुत ही ग्रीन दिखता है और आंखों को बहुत सुकून देता है इसकी ग्रीन कलर। ये पौधा देखने में बहुत सुंदर है और इसको लगाना भी बहुत आसान होती है। सॉफ्ट मिट्टी में लगाइए और इसको थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए अम्ब्रेला पाम के गमले को एक पानी की पॉट में रखना पड़ता है। उसके बाद जो पौधा मैं रखी हूँ वो है कोचिया झाओ। कोचिया पेरिनियल पौधा नहीं है, ये समर सीजन की पौधा है। ये बहुत सुंदर और बहुत सुंदर ग्रीन होती है। अभी बहुत ज्यादा धूप है इसलिए थोड़ी सी मुरझा गया है। समर सीजन में अगर घर में अगर आप हरियाली लाना चाहते हैं या घर में ग्रीन ऐड करना चाहते हैं तो कोचिया झाओ आप जरूर लगाइए। जिस जगह पर आप इस पौधे को लगाएंगे रखेंगे वो जगह हरा हो जाएगा, बहुत सुंदर दिखता है ये पौधा। समर सीजन में जब चारों तरफ धूप से झुलसती है तब अगर इस पौधे की तरफ आप देखेंगे तो आपकी आंखों को बहुत सुकून मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये 5 पौधे आप घर पर लगाइए, आपका घर बहुत ही ग्रीन दिखेगा और बहुत सुंदर लगेंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार।